हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। आई एम श्योर दोस्तों, आप सभी लोगों ने ओम्स लॉ ज़रूर पढ़ा होगा, बट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि बेसिकली ओम्स लॉ का जो सर्किट है कैसे काम करता है और VI ग्राफ आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। दोस्तों, आज हम इस ओम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस वर्चुअल लैब। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि वर्चुअल लैब क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी जो पहले की वीडियोस है आप जरूर देखें। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ओम्स लॉ का डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा। द अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट व्हेन आर इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है, जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वैसे वैसे इसका करंट भी इंक्रीज होगा। ओके, दैट मीन्स जब आपका R कांस्टेंट है, ये R कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो करंट है वो वेरी करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप इनको रीड कर लें, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन कौन से स्टेप्स को कैसे कैसे फॉलो कर रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस वोल्टेज का वैल्यू मैं यहाँ पे लेट्स से कि 2 कर लेता हूँ सिलेक्ट। ये डीसी वोल्टेज है, ये आपका एमीटर है, ये आपका रेसिस्टर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। एमीटर हमेशा सीरीज में रहेगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में रहेगा, सो दैट कि इनकी रीडिंग्स एक्यूरेट आ सके। वोल्टेज हमने कर लिया है सिलेक्ट 2 और आर का वैल्यू कोई भी आपको कॉन्स्टेंट सिलेक्ट रखना है। हर बार जब भी रीडिंग लोगे तो वैल्यू हैज़ टू बी कॉन्स्टेंट। लेट्स से कि मैंने इसका वैल्यू 10 ले लिया है, तो ये आपको हर बार जब भी आप नई रीडिंग लोगे तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है, ये कांस्टेंट रहेगा। यू कैन सी हेयर, कीप द रेसिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, वैल्यू असाइन करने के बाद ऐड टू टेबल करना है। बेसिकली यहाँ पे जो टेबल गिवन है, एक्सपेरिमेंटल टेबल, इस रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर लेना है। वोल्टेज आपने 2 किया है असाइन एंड वैल्यू ऑफ करंट इज 0.2 मिली एम्पियर, एंड देन आपको प्लॉट करना है। यू कैन सी हेयर ग्राफ प्लॉट। जैसे ही आप प्लॉट पे क्लिक करोगे, यू कैन सी दिस इज द पॉइंट। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्लॉट के अंदर ये जो एक्स एक्सिस है दिस इज करंट एंड दिस वाई एक्सिस इज वोल्टेज। तो ये जो पॉइंट है, जैसे ही आप यहाँ अपना पॉइंटर लेके आओगे तो यू कैन सी दिस 2 इज नथिंग बट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वोल्टेज एंड 0.2 इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। ओके, सो दोस्तों, इसी तरीके से आपको बाकी जो रीडिंग्स हैं वो भी लेनी है। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, 2 के फैक्टर में वैल्यूज ले लेता हूँ 4। ओके, 2 × 2 इज 4। तो आपको इस रीडिंग को भी एड टू टेबल करना है। सो दोस्तों, आपने 2 के फैक्टर में इस वैल्यू को लिया है, दैट मीन्स 4। तो यहाँ पे रीडिंग आपकी नोट हो गई है। इसके बाद आपको प्लॉट करना है सिंपली इसको भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, 4 मतलब जो आपने वोल्टेज लिया है और 0.4 आपका करंट निकल के आया है। सो दोस्तों, जैसे इन दो डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे तो ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रहा है। इसी तरीके से आपको तीसरी रीडिंग लेनी है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा लाइक दिस, और एड टू टेबल करना है। टेबल में ऐड हो चुका है, देन प्लॉट। सो थर्ड पॉइंट इज दिस वन एंड टेक द फोर्थ रीडिंग 16। एड टू टेबल, देन प्लॉट। सो दिस इज द फोर्थ रीडिंग एंड ऑल्सो टेक द फिफ्थ रीडिंग। लेट से मैंने मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दिया है वोल्टेज का 30, एंड देन ऐड टू टेबल एंड देन प्लॉट। सो दिस इज द फिफ्थ वन। सो जैसे ही इन सभी डॉट्स को आप कनेक्ट करोगे, दिस विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, 10, 20, 30, 40, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले करंट का वैल्यू 0.2 था, देन यहाँ पे 0.4, देन 0.8,
यानी वोल्टेज के साथ साथ करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बशर्ते आपका आर कांस्टेंट होना चाहिए। दोस्तों इस वीआई प्लॉट का आप प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, यहाँ पर सिंपली क्लिक करें और पीडीएफ फॉर्म में आप इसको सेव कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दी ओम्स लॉ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।